हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक और दिग्गज शेयर की। आज की डेट में उसके भी रिजल्ट आए हैं और काफी बेहतरीन रिजल्ट आते हुए दिखाई दिया। शेयर थोड़ा सा भागता हुआ दिखाई दिया, बट मार्केट में प्रेशर था, मार्केट गिर रही थी, इस वजह से शेयर ने कुछ ज्यादा यहाँ पर जंप नहीं दिखाई। बट आने वाले कुछ टाइम इन द सेंस आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर और हाफ एन ईयर, ऐसे की बात, हाफ ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपली बात कर रहा हूँ एक थोड़े से टाइम की, एक महीना, शायद दो महीना, या फिर अगले क्वार्टर के रिजल्ट तक, तीन महीना समझ लीजिए। ये कंपनी आपको मल्टी बैगर रिटर्न या अच्छे खासे रिटर्न देती हुई दिखाई देगी, मेरे तो लग रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पर अच्छी खासी पोजिशन ही बना रखी है। बहुत पहले भी वीडियो बनाई थी, अगेन वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा। अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। तो अगर बात करें आज की डेट की, यहाँ पर एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है IRCTC IRFC के रिलेटेड, यहाँ पर Q4 के रिजल्ट और कुछ टेक्निकल मुझे समझ में आ रही है कि इस तरीके से शेयर कर जा सकता है। तो इस चीज वीडियो को देख लीजिएगा। एज वेल एज बात करें, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाइए, एक एक वीडियो को देखिए, नॉलेज लीजिए कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं और कैसे ट्रेडिंग करते हैं, एक आइडिया आ जाएगा और अच्छा खासा पैसा आप मार्केट में बना पाएंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन आपका ओपन हो जाएगा। हम कंपनी की, जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है सुब्रोज यहाँ पर कंपनी है, क्या करती हुई नजर आती है उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। ऑटो एंसिलरीज से में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और बात करें डिविडेंड की, कंपनी 70 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड दिया है। छोटी सी कंपनी है बट यहाँ अगर रिजल्ट की बात करें, अच्छे खासे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। इन लैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 66,000 लैक्स रुपए का यहाँ पर रेवेन्यू है। इससे पहले 60,729 लैक्स रुपीज, से पहले 46,708 लैक्स रुपीज का यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, मतलब ईयरली क्वार्टरली यहाँ पर दोनों बेसिस पर रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सबसे बेहतरीन यहाँ पर बात है। और यहाँ पर बात करें अदर इनकम, यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है कंपेयर देन ये दोनों क्वार्टर में, अदरवाइज यहाँ पर और ज्यादा यहाँ पर टोटल रेवेन्यू होता हुआ दिखाई देता। इसके अलावा बात करें टोटल एक्सपेंसिस की, तो एक्सपेंसिस यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली वाइज यहाँ पर भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो ये बढ़ते हुए नजर आया, जो की वजह से यहाँ पर आप बात करें टोटल एक्सपेंस बढ़ा है 62,000, मतलब 62,000 का यहाँ पर एक्सपेंस हुआ है, 62,000 लैक्स रुपीज की बात कर रहा हूँ। इससे पहले 56,000 लैक्स रुपीज, से पहले 44,000 एक्सपेंस यहाँ बढ़ते हुए नजर आया। और जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी आ गई है, बट इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, रेवेन्यू अच्छा खासा आया है ना, रेवेन्यू बढ़ा है कि नहीं ये चीज ज्यादा मैटर करती है। तो रेवेन्यू यहाँ जी यहाँ बढ़ता हुआ नजर आया है 2,557 लैक्स रुपीज, से पहले 2,743, से पहले 1,609 लैक्स रुपीज। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। और बात करें यहाँ पर ईपीएस की, तो 3.92 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 4.20 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 2.46 रुपए। ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया है, और ईयरली वाइज ही यहाँ पर देखा जाता है कि कंपनी ने ईयरली वाइज अच्छा खासा परफॉर्म किया है या नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शेयर की, तो देखिए एक बार कंपनी ने 2004 में बोनस भी दिया था, स्प्लिट भी कंपनी ने 2007 में एक बार दिया था, 10 की फेस वैल्यू 2 की फेस वैल्यू हो गई थी। इसके अलावा अगर हम इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं तो चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन था यहाँ पर, तो आपको पता ही है 2018 में यहाँ ऑटो सेक्टर में यहाँ पर गिरावट आई थी, जिस वजह से यहाँ पर ये शेयर गिरता हुआ नजर आया। बट अगर बात करें दोबारा यहाँ पर ये शेयर उठने को तैयार हो गया और बहुत अच्छा यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और इसके अलावा हम कुछ और चीजों से रिलेटेड बातें कर रहे थे, जैसे कि मैंने बात किया था सुब्रोज लिमिटेड बस इनकॉर्पोरेट 85 में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी, जॉइंट वेंचर है किसके साथ, सूरी फैमिली ऑफ इंडिया, डेंसो कॉर्पोरेशन जापान एंड सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन एंड जापान, यहाँ पर इनकी ये कंपनी नजर आती है। और ये कंपनी क्या करती है, ये ऑटो एयर कंडीशनर बनाती हुई नजर आ रही है। और ये किस सेगमेंट में काम करती है, ये अच्छे खासे यहाँ पर कंपनी काम करती हुई नजर आती है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा देखना है, एक लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया था, आई बटन पर लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा। मार्केट कैप की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, बड़ी छोटी यहाँ पर कंपनी है। पीई रेशियो की बात करें, 54 का पीई है, आरओसी 13 है, डेट की बात करें 17% का ही डेट है, ना के बराबर ज्यादा डेट भी नहीं है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर नंबर्स की, तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर इनके नंबर्स देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, सेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, इस बार की जो सेल्स है वो हाईएस्ट एवर सेल्स है और कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर गिरावट होती हुई नजर आई थी, यहाँ पर पैंडेमिक का असर था, फिर उसके बाद पैंडेमिक से दोबारा कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म किया है। इसके बाद बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थी, यहाँ पर एक्सपेंस ज्यादा हो गया, वरना ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर आता हुआ दिखाई देता।
बट पिछले दो क्वार्टर में हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट भी यहाँ पर बात करें हाईएस्ट एवर ही नेट प्रॉफिट है। तो कंपनी ने हाईएस्ट एवर नंबर दिखाना शुरू कर दिया है और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे, तो सेल्स की देख लीजिए 899 करोड़ की सेल्स यहाँ पर 1796 करोड़ की सेल्स में आ गई और ये कंटिन्यूटी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही थी। देखिए 899, 1100, 1100, 1200, फिर उसके बाद यहाँ पर दो तीन क्वार्टर लगभग सेम रही, फिर 1200, फिर उसके 1500, 1900, ओके, फिर 2100 और फिर थोड़ा सा यहाँ पर आपको पता है गिरावट 1993 और बात करें यहाँ पर दोबारा यहाँ पर बढ़ती, बट यहाँ पर पैंडामिक का असर था जो कि अगले क्वार्टर में आपको अच्छा खासा परफॉर्म और करता हुआ दिखाई देगा। तो ईयरली क्वार्टरली वाइज कंपनी ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और हाईएस्ट एवर अब नंबर आने भी शुरू हो जाएंगे, इस बात को भी दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर अभी नंबर आना शुरू हो गए क्वार्टरली बेसिस पे। अगर बात करें बैलेंस शीट की, और जैसे कि मैं आपको बता रहा था देखिए नंबर, तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे अगर हम बात करें पिछले साल से, तो यहाँ पर देखिए पिछले साल से अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, यहाँ पर 458 करोड़ की सेल्स 660 की हो गई है और यहाँ पर अगर बात करें 16 करोड़ का प्रॉफिट 26 करोड़ में तब्दील हो गया इसे देखिए, और दिसंबर को भी देखिए दिसंबर में 446 था जो कि 604 हो गया है और 13 करोड़ का प्रॉफिट 27 करोड़ का, मतलब कंपनी ग्रोइंग मैनर में और अच्छा खासा आगे भी परफॉर्म करके दिखाएगी। रिजर्व्स अच्छे खासे है कंपनी के पास और बोरिंग यहाँ पर कम होती हुई आई थिंक नजर आ रही है, एक बार देख लेते हैं इंटरेस्ट यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिए 3-3 करोड़ यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है, मतलब बोरिंग लगभग सेम ही यहाँ पर है अभी, और जो भी पैसा आता है यहाँ पर दिखाई देता है इस चीज को देखिए। आरओसी अच्छी खासी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 36.7% प्रमोटर्स, एफआईएस 1% के आसपास, डीआईएस 10.65% के आसपास, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में देखिए जो ये सुजुकी मोटर्स, ये जो दिखाई दे रहे हैं ना डेंसो कॉर्पोरेशन, इन्होंने इससे ज्यादा ले रखी है, तो यहाँ पर देखिए 20% की, 12% की, मतलब 32 और 33-34 और 3 अगर बात करें लगभग 37% की हिस्सेदारी यहाँ पर ही हो गई, मतलब 14% के आसपास की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी कोई भी हिस्सेदारी यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो देखिए शेयर आज मार्केट थोड़ी दबाव में थी, इस वजह से शेयर यहाँ पर ही आसपास रह गया, फिर भी थोड़ा सा भागता हुआ दिखाई दिया और कितना भागा आज की डेट की अगर बात करते तो यहाँ पर 2% की यहाँ पर जंप हमें फिर भी दिखाई दी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए ये बार 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 इस लेवल पर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है, तो इसके टारगेट काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात करें आरएसआई की, तो यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन 200 DMA से यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया है, इस चीज को ध्यान में रखिए, तो इसका जो अगर गिरावट हुई, अगर बाई चांस यहाँ पर गिरावट होती है तो 300 रुपए से नीचे आई डोंट थिंक सो यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो 300 रुपए तो यहाँ पर स्टॉप लॉस का भी काम कर सकता है अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, बट ऐसे ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग करिए तो अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनाता हुआ ये शेयर दिखाई देगा। और इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर देखिए ये बार बार इसी जगह पर यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ शेयर नजर आ रहा है, इससे पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लिया था ओके, और यहाँ पर अगर बात करें दो तीन टारगेट अलग अलग तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं ऊपर, अगर पहले टारगेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया और इसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो ये शेयर यहाँ पर भागता हुआ नजर आ रहा है और एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हुए हमें नजर आ रहा है, एक बार यहाँ पर गया, यहाँ पर रुका था, फिर उसके बाद यहाँ पर इसने यहाँ पर एक हैंडल बनाया यहाँ पर कप बनाने के बाद, और दोबारा एक नीचे आके कॉम्प्लेक्स कप विद हैंडल पैटर्न बनाते हुए नजर आ रहा है, और जब इसे निकालेगा ना, इस बार तो नहीं निकला था ऊपर की तरफ, बट इस बार जब एक बार ऊपर निकलेगा तो ये अच्छे खासे टारगेट को अचीव करते हुए दिखाई देगा, जो कि इसके दूसरा जो एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इसे भी अचीव करेगा और जब हाईएस्ट एवर यहाँ पर सेल्स आनी शुरू हो गई है 2018 के बाद, तो इसे भी यहाँ पर अचीव करेगा, और यहाँ पर फिर जब टारगेट नजर आएंगे तो यहाँ पर टारगेट भी बेहतरीन टारगेट नजर आएंगे, छोटे मोटे टारगेट नजर नहीं आएंगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और कितना यहाँ पर टारगेट आ रहा है, तो यहाँ पर टारगेट देखिए अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर हम इसे यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, और इसे थोड़ा सा हम नीचे ले आते हैं तो आपको टारगेट भी समझ में आएगा इसका कि कितना टारगेट है। तो ये जो टारगेट नजर आ रहा है 568 रुपीज तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और लगभग अच्छा खासा ग्रोथ है यहाँ पर, अगर इससे यहाँ पर देखें तो लगभग पैसा आपका डबल ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, 80% के आसपास का गेन है, जो कि मुझे लगता है कि
एक से सवा साल के अंदर अंदर आपको ये गेन मिल जाएगा, और इसके लिए और वो भी वन शॉट में आपको मिल रहा है। बट अगर फिर भी थोड़ा सा भी और टाइम लग जाए तो कोई इशू नहीं, और मुझे लगता है कि एक साल में ही यहाँ पर अचीव कर लेगा ये। और पहले टारगेट की अगर हम बात करें तो पहला टारगेट देखिए, यहाँ पर पहला टारगेट भी दिखा देता हूँ जो कि लास्ट टाइम ही बताया था। पहले तो यहाँ पर 8% का गेन है जो कभी भी आपको मिल सकता है। दूसरे गेन की बात करें तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर उसके बाद शायद और थोड़ा सा नीचे आगे फिर दोबारा भागे जो कि और ऊपर हाई इसके टारगेट बना देगा। फिर जो तीसरा टारगेट जो इसका ऑल टाइम हाई है, अगर इसे एक बार क्रॉस कर दिया इस कंपनी ने तो फिर तो ये इस लेवल की तरफ जाने ही जाना है। 40% का यहाँ पर अपसाइड दिखाई दे रहा है, तो 40% का अपसाइड मुझे लग रहा है 6 महीने के अंदर अंदर अचीव कर लेगा। तो इस चीज को देख के, इस तरीके से देख के हम अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। और एक चीज और देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, मतलब मार्च को 2018 में अगर बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट लेवल पर आया था, और यहाँ पर अगर हम देख कंपेयर करते हैं कुछ चीज यहाँ पर डेटा, तो मार्च 2018 मतलब 2019 के ही रिजल्ट हो गए आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए 518 करोड़ के आसपास की यहाँ पर सेल्स थी, जो कि अभी बढ़ के 660 करोड़ की सेल्स है। तो मतलब ऊपर जाना ही जाना है, प्रॉफिट भी 17 का 26 हो गया है, तो इसे ऊपर जाना ही है, यहाँ पर जाना ही है। थोड़ा सा वेट करिए, ऑटो शेयर चल ही रहे, ऑटो एक्सिलरी यहाँ पर चल रही है, सारे कंपनी के रिजल्ट अच्छे खासे आ रहे हैं। ये शेयर अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, और बट अच्छा खासा परफॉर्म करना दोबारा शुरू करेगा। वॉल्यूम जैसे यहाँ पर आई थी, दोबारा वॉल्यूम यहाँ पर आना शुरू कंपनी कर देगी। और एक ही शॉट में जब शेयर को भागना होता है ना, तो एक शॉट में बढ़ जाता है। देखिए जून 2016 से 2018 मतलब कितने का भी है, 1.5 साल के अंदर अंदर इतना खासा अच्छा खासा भाग गया। तो ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आ रहा है, और 1.5 साल भी नहीं लग रहा, 1 साल के अंदर अंदर अचीव कर लेगा। बाकी आप बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी स्टडी करिए, अपनी स्टडी के हिसाब से पोजिशन लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की यहाँ पर हेल्प लीजिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करें, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।